3, 2, 1. बॉलीवुड में जब भी दिग्गज कलाकारों की बात होती है तो अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर आता है। अमिताभ को बॉलीवुड का महानायक और शहंशाह भी कहा जाता है। हाल ही में खबर आई थी कि श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या में तनाव चल रहा है और इस बार अभिषेक ने अपना जन्मदिन घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने की बजाय ऐश्वर्या और आराध्य के साथ बाहर सेलिब्रेट किया। खबरें तो यहाँ तक आई कि ऐश्वर्या की अनबन सिर्फ श्वेता से नहीं बल्कि सास जया बच्चन से भी चल रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बच्चन परिवार ही जानता है। बच्चन फैमिली का भी सभी चेहरा देश भर में जाना माना है लेकिन श्वेता नंदा के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता। बड़ी होने के नाते श्वेता बहुत लाड प्यार से पली बड़ी है। एक महानायक की बेटी होने के कारण श्वेता की एंट्री बॉलीवुड में आसानी से हो सकती थी लेकिन उन्होंने खुद को इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रखा। उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप की पोजीशन का फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा। बता दें कि श्वेता की पढ़ाई एक आम बच्चे की तरह हुई है। पढ़ाई के बाद उन्होंने साल 1997 में निखिल नंदा से शादी रचा ली। श्वेता की शादी एक औसतन भारतीय महिला की तरह कम उम्र में ही हो गई थी और मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने बेटी नव्या को भी जन्म दे दिया था। श्वेता एक अच्छी हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी है। वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। 10 साल जिम्मेदारियां निभाने के बाद श्वेता ने अपने बारे में सोचा। वह कुछ करना चाहती थी इसलिए वह CNN और IBN में बतौर सीनियर जर्नलिस्ट काम करने लगी। वर्तमान में भी वह CNN और IBN के साथ काम कर रही है। एक इंटरव्यू में श्वेता से पूछा गया फिल्मों में न आने की वजह तो उन्होंने कहा कि मुझे आज तक किसी फिल्म का ऑफर नहीं मिला। मेरी सूरत और आवाज़ एक हीरोइन की तरह नहीं है। मुझे कैमरा फेस करने से भी डर लगता है इसलिए आज मैं जहाँ हूँ जो कर रही हूँ उसी में खुश हूँ। हालांकि उन्हें अभिषेक कई बार एक्टिंग में आने के लिए कह चुके हैं लेकिन अपने दिल की सुनते हुए हमेशा उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है। श्वेता के अनुसार उन्हें घर का काम जैसे पति के लिए नाश्ता बनाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर की देखरेख करना आदि पसंद है।